स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं टॉयलेट कंबाइन बनाए, टॉयलेट भी प्लस में बाथरूम एरिया भी हो, दोनों कंफर्टेबल हो, तो ये आपके लिए वीडियो है। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे गीजर का हाई पॉइंट कहाँ होना चाहिए, जो आपका जो नल लगा हुआ है उसका हाइट कितना होना चाहिए, ये भी इस वीडियो में बताएं। कहीं कहीं आप देखते हैं कहीं बाथरूम यूज करते हैं तो नल डाउन हो जाता है या ऑफ हो जाता है, ये आपको मैं बताना है। दोनों अगर लगाना है तो आपको देखिए यहाँ पे इंडियन और वेस्टर्न दोनों लगाए गए। इसका जो चौड़ाई है ये आपका 5 फीट है और 5 फीट में दोनों इंडियन और वेस्टर्न दोनों सीट को फिट किया गया है। साइड में कितना जगह छोड़ें ये भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो आप लास्ट तक देखिए। देखिए सिस्टम लगाने के लिए जो देख रहे हैं सिस्टम 10 इंच पीछे से जगह छोड़ना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। और साइड में ये जो देख रहे हैं यहाँ पे ये 10 इंच छोड़ा गया है, ये लगभग 1 फीट, और पीछे से भी 10 इंच। सिस्टम को फिक्स करने के लिए 10 इंच जगह होना चाहिए कम से कम, नहीं तो सिस्टम पीछे इसका जो बैंड आता है ना, जो पाइप जो देख रहे हैं सिस्टम का, ये 10 इंच है। इंडियन हो या वेस्टर्न सिस्टम के लिए आपको पीछे से 10 इंच और साइड से जो राइट हैंड साइड होता है उससे आपको 10 इंच और फ्रंट में 2 फीट कम से कम आपको जगह रखना है, ध्यान दीजिए। और जो नल है इसका जो पॉइंट है ये 1 फीट हाइट पे होना चाहिए। अगर आपको बाल्टी नहीं लगाना है तो यहाँ बाल्टी रखेंगे तो हाइट आप 1.5 फीट रखिए। ओके, अब दोनों के बीच का जो गैपिंग है यहाँ पे जो सीट जो देख रहे हैं और दोनों के बीच में गैपिंग कितना होना चाहिए, तो लगभग आपका 1.5 फीट है। अगर एडजस्ट कर लीजिएगा तो 2 फीट यहाँ पे जगह आ जाएगा। ओके, ये थोड़ा सीट जो है इंडियन मीडियम साइज का है और 16 इंच इसका चौड़ाई है। अब देखिए जो लंबाई है इसका यहाँ से यहाँ तक जो बाथरूम एरिया बनाना, सिविल साइट नॉलेज को सपोर्ट कीजिए। ये जो पैकिंग देख रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, बांटने के लिए किया जा रहा है जिनको ज़रूरत है उनको, तो आप भी चाहेंगे तो सपोर्ट कर सकते हैं। साथ में 30 बच्चों का ट्यूशन सिविल साइट माध्यम से फ्री में कराया जाता है, तो आप सपोर्ट कीजिए। अब रहा बात बाथरूम का, तो यहाँ पर जो पॉइंट है आपका ये आपका ड्रॉप पॉइंट दिया गया है और यही बाथरूम एरिया है और इसका जो लंबाई है आपका 5.5 फीट के आसपास है, 5.5 फीट ये है। और ये जो जो यहाँ पे सीट दिख रहे हैं वो आपका 4.5 फीट के आसपास है। ओके, अब जो गीजर का जो पॉइंट है आप देख रहे हैं तो गीजर का भी पॉइंट आपको 7 फीट के हाइट पे रखना होता है और ये जो नल है नल का हाइट नीचे से होना चाहिए 2 फीट 8 इंच कम से कम, यानी 3 फीट आप रख सकते हैं, इससे डाउन रखेंगे तो सही नहीं होगा, झुक के आपको खोलना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो सिस्टम के लिए जो यूज पानी के लिए जो नल होता है सब 1 फीट हाइट पे होना चाहिए। आप देख रहे हैं जितना भी बिबकॉक लॉन्ग कॉक जो लगा हुआ है, साथ में वेंटिलेशन जो प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे जो देख लोअर जो लगाया गया है 2x2 फीट में, तो ये तो जरूरी है। और टाइल्स आपको लगाना है 7 फीट एरिया, ये आपके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। कोई 5 फीट भी बाथरूम में भी टाइल्स लगाता है, कोई 7 फीट लगाता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने फीट पे लगा रहे हैं। जनरली आप 60 फीट पर लगाइए। चलिए प्रैक्टिकली आपको मैं समझाता हूँ। देखिए कैसे आपको दोनों सीट आपको 5x4 फीट में एडजस्ट किया गया, ध्यान से देखिए। जैसा कि मैंने आपको जो दिखाया उसके अकॉर्डिंग लंबाई है आपका 10 फीट, ओके, और चौड़ाई है 5 फीट, 10x5 फीट ये आपका इनर टू इनर स्पेस है, यानी कि यहाँ से अंदर जो स्पेस है ये आपका 10 फीट है, क्लियर। और जो 4x5 फीट में जो टॉयलेट सीट बैठाया गया है, कैसे बैठाया गया मैं आपको बता रहा हूँ, इधर 5 फीट है। अब इसमें जो इंडियन सीट आप जो देख रहे हैं ये इंडियन सीट यहाँ पे बैठाया गया है ये, ओके, और वेस्टर्न जो इंग्लिश सीट है ये यहाँ पे बैठाया गया और दोनों के बीच में जो गैपिंग है वो बहुत समझ करके आपको एडजस्ट करना होगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में जो गैपिंग है ना ये साइड पे आपको लगभग 2 फीट है,
यहाँ जो साइड वाल है, ये जो साइड वाल है यहाँ से आपका 10 इंच लगभग 1 फीट का जगह होना चाहिए। इधर से भी आप 10 इंच जगह दे दीजिए, बीच में एक एक फीट दो दिए, 3 फीट बचा हुआ है। 3 फीट आपका 4 इंच। तो जो ये वाला जो सीट है, इंडियन इंडियन जो सीट है, इसका जो सीट आता है 16 इंच का चौड़ाई आता है, आपका 16 इंच का ये चौड़ाई आता है। 18 इंच का भी मिलता है, 16 इंच का भी मिलता है। ये आपका 16 इंच कर दीजिए, तो ये वाला फेस आपका 16 इंच 10 इंच यानी 26, यानी 2 फीट 2 इंच में इस फेस तक बैठ जाएगा। 2 फीट 2 इंच में आपका यहाँ पे इंडियन सीट सेट हो जाएगा। बाकी जो जगह बचा 3 फीट लगभग, 2 फीट 10 इंच, 2 फीट 10 इंच में ये थे। इधर से आपको क्या करना है, 10 इंच छोड़ना है, अब बाकी करके यहाँ पे बिठा देना है। और ये जो सामने वाला जो स्पेस है लगभग आपको यहाँ तक है, लगभग यहाँ पे 2 फीट जो साइड में दिख रहे हैं, वीडियो में भी दिख रहा होगा आपको, तो ये आपका 2 फीट है। अब बाकी ये बचा आपके कितना, ये 4 फीट ये हो गया, तो इधर 6 फीट, ये लगभग 6 फीट ये हो गया। इस एरिया में आपका स्नान घर हो जाएगा इस एरिया में। तो इस तरह आपको अगर टॉयलेट और बाथरूम एक ही में रखना है तो इस तरह से, और अगर आप चाहेंगे तो प्लस पॉइंट है कि ये जो पार्टीशन वाल है, यहाँ पे जो पार्टीशन वाल आप एक बना करके, थोड़ा मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर ध्यान से देखिएगा, यहाँ बीच में क्या करेंगे, एक पार्टीशन वाल दे देंगे, तो ये वाला पोर्शन अलग हो जाएगा और ये पोर्शन अलग। तो मेन गेट यहाँ पे है, ओके, यहाँ पे मेन गेट प्रोवाइड किया गया इसका इंटर करने के लिए, और यहाँ पे एक स्लाइडिंग का ओपनिंग छोड़ देंगे। तो ओपनिंग अगर यहाँ पे छोड़ देते हैं तो दोनों ये यूज हो जाएगा, समझ रहे हैं, ये दोनों चीज़ यूज होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें, और फ्रेंड के साथ, फ्रेंड को आप शेयर कीजिए कि जिनको ज़रूरी है वो बना सके, कि कैसे हम कम जगह में दोनों सीट को एडजस्ट करते हैं। ओके, एक और बात आता है कि जब कभी भी आप बनाएं तो पूरा जानकारी ले लीजिए, जब कभी भी आप टॉयलेट बाथरूम बनाएं तो अलग अलग ही रखें, अगर स्पेस नहीं है तो दोनों एक में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर ये भी आप सोचेंगे कि 10 फीट चौड़ाई है, दोनों 5-5 फीट हम बांट देंगे, जी आप 5-5 फीट कर सकते हैं, नहीं 10 फीट जो चौड़ाई है, मान लीजिए 10 फीट जो लंबाई है, लंबाई में आप 5-5 फीट कर सकते हैं। ये 5 फीट एरिया हो गया और ये 5 फीट एरिया हो गया, इसमें टॉयलेट और बाथरूम अलग अलग बना सकते हैं। लेकिन जैसा कि जो मैंने दिखाया उसमें कोई कंडीशन नहीं था, यानी कि कंडीशन नहीं बन रहा था कि हम अलग अलग करें, क्योंकि इसके सामने एक पैसे था, गली है 5 फीट, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं कर पाए थे, और कुछ एरिया है जो यूटिलिटी एरिया है, यहाँ से गेट न दे पा रहे थे, इसलिए आपको यहाँ पे दिया गया, कॉलम आ गया था, जो भी होगा बाद में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।